कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से, मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का, मैं आ रहा हूं इसके पास भी। तो साजिश पहली ये कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है। सितंबर की आखिर में नवाज शरीफ, फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। सबको 14 अगस्त की मुबारक हो। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन 14 अगस्त बनाया। पाकिस्तानियों, मेरा दिल कह रहा हूं कि जो इंशाल्लाह अगली 14 अगस्त होगी, हम अपनी हकीकी आजादी ले चुके होंगे। जनाब कायदे आजम ने जो विजन दिया था, उसको इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाते हुए जो रियासत मदीना की बुनियाद रखी, इंशाल्लाह उन्हीं बुनियादों पर मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रहनुमा असूलों को आगे लेकर चल रहा हूँ। और मैं यहाँ ये भी ऐलान कर रहा हूँ कि सूद की लानत को खत्म करने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ एक ऐसा कानून कि जो सूद पे जो प्रॉफिट बनाएगा, जो सूद का काम करेगा, उसको 5 साल की सजा दी जाएगी। क्योंकि कुरान शरीफ में ये बात आया है और अल्लाह ताला ने फरमा दी है। कुरान शरीफ के अंदर आपने साफ लिखा हुआ है, जो सूद का कारोबार करेगा, जो इससे फायदा उठाएगा, जब कियामत के रोज आप उनको दूर से पहचान लेंगे, उनके मुंह काले होंगे, काले मुंहों से उठेंगे जो सूद का कारोबार करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं रहे, बल्कि दुनिया इस्लाम के लीडर बने हैं। सिर्फ पाकिस्तान तक बात नहीं रह गई, दुनिया इस्लाम के दुख दर्द की दवा बने हैं। जनाब कायदे आजम ने जो विजन दिया था, उसको इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाते हुए जो रियासत मदीना की बुनियाद रखी, इंशाल्लाह उन्हीं बुनियादों पर मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रहनुमा असूलों को आगे लेकर चल रहा हूँ। और मैं यहाँ ये भी ऐलान कर रहा हूँ कि सूद की लानत को खत्म करने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ एक ऐसा कानून कि जो सूद पे जो प्रॉफिट बनाएगा, जो सूद का काम करेगा, उसको 5 साल की सजा दी जाएगी। क्योंकि कुरान शरीफ में ये बात आया है और अल्लाह ताला ने फरमा दी है। कुरान शरीफ के अंदर आपने साफ लिखा हुआ है, जो सूद का कारोबार करेगा, जो इससे फायदा उठाएगा, जब कियामत के रोज आप उनको दूर से पहचान लेंगे, उनके मुंह काले होंगे, काले मुंहों से उठेंगे जो सूद का कारोबार करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं रहे, बल्कि दुनिया इस्लाम के लीडर बने हैं। सिर्फ पाकिस्तान तक बात नहीं रह गई, दुनिया इस्लाम के दुख दर्द की दवा बने हैं।